गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू डी एम लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। आज देखो कितना लेट में उठा, क्योंकि मम्मी और पापा है घर में करके, तो कोई नहीं रहते हैं, तो मैं उड़ जाता था 8 या 9 बजे के बीच में ही उड़ जाता था मैं। फिलहाल अभी तो बारिश नहीं हो रही, लेकिन वेदर वैसी है। अभी मम्मी चाय बना रही है, ये देखो मम्मी चाय बना रही है। अब अपना पोजिशन ले ली है इस चीज़ को बहुत याद कर रही थी मैं। खाना बनाऊंगी कर रही थी ना फोन में तो यहाँ पे बन रहा है स्वादिष्ट चाय। चाकू देख सामने में देखना, वो जहाँ तू वो रखी है कलछुल वलछुल वही तो है, सामने में देखना ऊपर नहीं देखना है, सामने देखना, सामने देखना। गैस तो यहाँ पे चाय बन रहा है, और मम्मी देखो प्याज सब काट रही है, क्योंकि मम्मी बनाने वाली है पकौड़े, प्याजी पकौड़े। तो शुरुआत हो चुका है, दिखलाते हैं आप लोगों को कैसे बनाती है और चाय भी उबाल में आ गया है। गैस मम्मी अब बनाने वाली है, कढ़ाई में तेल डाल चुकी है गरम होने के लिए, और मम्मी का पोजीशन चालू हो गया। देखो गाना बजाना सब चल रहा है, वहाँ से सुनती थी गाना टाटा में टीवी देखते थे दिन भर, घूमने भी नहीं जाती थी, क्यों नहीं जाती थी घूमने? नानी और पापा की वजह से। वैसे कई आज का जो मौसम है अच्छा है, खुला खुला, लेकिन बारिश होना चाहिए था, बारिश हो नहीं रहा है। मम्मी का ये है पेड़ पौधे हमारे घर का, मम्मी पूरा लगा के रखी हुई है, और इस साइड भी पूरा लगा के रखी हुई है। ये सारे फूल के हैं, और कुछ अपने जड़ी बूटी वाला जो पौधा होता है ना, कुछ कुछ पुदीना का हो गया और धनिया हो गए, इस टाइप का लगा के रखी हुई है। देखो केला सेब अनार वाले जा रहे हैं भाई साहब, ये गया भाई। तेल गरम हो चुका है, तो मम्मी अभी डाल रही हैं पकौड़े, प्याजी पकौड़े, प्याजी पकौड़े। वहाँ पे गाना वाना भी एकदम जोरों शोरों से चलत रहा बाड़ू मैं टाटा में थी ना, पकौड़ा खाऊंगा, पकौड़ा खाओ, टाटा से कोई पकौड़ा बनाता है? बिल्कुल पार्सल करना चाहिए ना जोमेटो में। क्यों पार्सल करते? पार्सल करती तो बैठ के खाता मत, पार्सल आराम से वाले खा लेते बोला पकौड़ा। खाती थी नहीं, पार्सल ही नहीं कर रही थी ये गया भाई साहब। अब वेट करते हैं टमाटर की चटनी, इसलिए रहता हूँ मैं। आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा, अभी तो खैर बन रहा है, बन जाता है उसके बाद दिखलाता हूँ। गाइस तो ये रहा अपना पकौड़े, और हम ट्राई करते हैं। वैसे तो मम्मी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनाती है, बट फिर भी ट्राई करके बताते हैं। ये टमाटर की चटनी अभी हाल ही में पीसा हूँ मैं। गाइस बहुत दिनों के बाद में अब खाने को मिला, मतलब कि 1 महीना लगभग हो चुका है। वाह, गर्मा गर्म खाने का अपना अलग ही मजा है भाई साहब, एक नंबर। अभी बारिश नहीं हो रही, कल अच्छा खासा बारिश हो रहा था जब मम्मी लोग आए थे, तो अभी तो बारिश नहीं हो रही। बारिश के समय में भाई ये मिल जाए और एक कप चाय, तो फिर क्या ही कहने हैं। तो बस गाइस ये ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर घर का साफ़ सफाई भी करना है। तो गाइस मैंने नाश्ता कर लिया है, अब बारी है घर की साफ़ सफाई करने का। वैसे तो मैं घर का साफ़ सफाई कर ही रहा था, बट अभी झाड़ू लगा लेता हूँ, क्योंकि सारा चीज़ें इधर से उधर बिखरी पड़ी हुई है और थोड़ा सा गंदा भी हो चुका है, कल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ठीक है, अपन अब झाड़ू लगा रहे हैं, यही अपनी लाइफ। मम्मी का हेल्प करना भी बनता है भाई, मम्मी अब टिप नहीं करेगी, खाना बस बना ले वही बहुत बड़ी बात है अपने लिए, बट मम्मी करती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। तो ठीक है, अपन झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद फिर मुलाकात करते हैं। गाइस तो अभी मैं आ चुका हूँ बाल कटिंग कराने के लिए, क्योंकि बाल मेरा देख रहा बहुत ज़्यादा बेकार हो गया, बहुत ज़्यादा घुंघराला हो गया, थोड़ा छोटा छोटा कराते हैं।
गाइस तो अपना कटिंग हो चुका है, अब पहले और अब मैं अंतर बताइए अभी कैसा लग रहा है। अभी थोड़ा ठीक दिख रहा हूँ, मुझे खुद एहसास हो रहा है।